ये हाउरा टेरेस है। अमेजिंग टेस्ट है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का एपिसोड एक और ऑसम फूड ब्लॉग होने वाला है। नासिक ये फूडी लोगों का सिटी है और अभी हम फिलहाल आए हैं कॉलेज रोड पे, जहाँ पे इटालियन एम्बेसी का फूड ट्रक है। उन्होंने हमें स्पेशली इनवाइट किया है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इटालियन क्यूजिन जो है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। मेरे पीछे आप सभी लोग देख सकते हो, ये इटालियन एम्बेसी का फूड ट्रक है। इनके दो आउटलेट्स है, एक इनका फूड ट्रक और दूसरा है इनका प्रॉपर रेस्टोरेंट। फूड ट्रक पे आप खड़े रह के खा सकते हो और टेक अवे भी ले सकते हो, और जो उनका रेस्टोरेंट है वहाँ प्रॉपर बैठ के डाइन इन कर सकते हो। तो हम वहाँ पर भी जाने वाले हैं, बट पहले एक्सपीरियंस करते हैं फूड ट्रक। सो गाइस, अभी मैं फूड ट्रक के अंदर हूँ। मिलते हैं नीलेश से, जो यहाँ के शेफ भी है और पार्टनर भी। सो नीलेश, हाय। हेलो। आपको आइडिया कैसे आया इटालियन क्यूजिन स्टार्ट करने का, स्पेशली नासिक में जब सारे लोग मिसल और वड़ा पाव के ज्यादा फैन है और ज्यादा रेस्टोरेंट मिसल के रिलेटेड लोग ओपन कर रहे हैं? तो हमने देखा कि पास्ता वगैरह जो फाइन डाइन में मिलता है और बहुत एक्सपेंसिव है, जो मिडिल क्लास और जो लोकल पीपल है, यंग जनरेशन, वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हमको उससे आइडिया आया कि अफोर्डेबल रेट में अच्छा क्यूजिन, ऑथेंटिक इटालियन पास्ता दे सकते, इसकी वजह से फिर हमने ट्रक से चालू किया। सो नीलेश, एक्चुअली इटालियन क्यूजिन जो है मेरा पर्सनल फेवरेट है, बिकॉज वो काफी सारी चीजों के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए आप हमें आज क्या खिलाने वाले हैं। तो मैं आपको मैक एंड चीज खिला दूँ हमारा। okay. जो स्पेशल है, जो बेक नहीं होता है, हम हॉट प्लेट पे ही बनाते हैं। okay. बट वो लोगों को बहुत पसंद आता है, तो आज मैं आपको वो खिलाता हूँ। तो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ बनाने? चलेगा ना, कोई उस बारे सीख भी लूंगी। चलेगा चलेगा। मुझे ये पूछना है कि आप ऑथेंटिक हर्ब्स यूज कर रहे हो? यस यस, मार्केट में बहुत सारे हर्ब्स मिलते हैं, बट जो एकदम ऑथेंटिक होते हैं उनका अरोमा एक ऑयल में डालते ही आ जाता है, तो हम वही यूज करते हैं और सामने अच्छा देने की कोशिश करते हैं। अभी मैक एंड चीज के लिए 3 टाइप के चीज डालेंगे उसमें, उसका सॉस बनाएंगे, फिर उसको पास्ता को उसमें कुक करेंगे। अभी बारी है चीज डालेंगे। सॉस बना रहे हैं और वो देख के मुझे इतना ज़्यादा भूख लग रहा है, इसे मैं टेम्प्ट हो रही हूँ बहुत ज़्यादा, कांट वेट। और अभी उन्होंने बताया कि मैक एंड चीज़ में वो टोटल 3 चीज़ डालेंगे, एक प्रोसेस चीज़, एक मोज़रेला और तीसरा है शेडर। नीलेश, मैं स्टर कर लूँ थोड़ा? हाँ चलेगा ना, श्योर। ये स्ट्रिंग्स आपको दिख रहा है, इसका मतलब कि पास्ता ऑलमोस्ट रेडी है। और नीलेश ने बताया कि स्ट्रिंग्स जो आते हैं मोज़रेला चीज की वजह से आते हैं। आपका अभी मैक एंड चीज रेडी है, मैं आपको सर्व कर देता हूँ। मैक एंड चीज ऑलमोस्ट रेडी है और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैक एंड चीज काफी सारे लोगों का कम्फर्ट फूड होता है। ऑलरेडी सॉस के अंदर तो चीज़ है ही, ह्यूज अमाउंट का चीज़ है और उसके ऊपर भी उन्होंने ग्रेट करके दिया है और इसको सर्व किया है ऑफकोर्स गार्लिक ब्रेड के साथ। करूँ ट्राई? थोड़ा चीज़ के साथ लेते हैं। बहुत ही रिच टेस्ट है, हर एक चीज़ का जो फ्लेवर है वो अलग से आ रहा है। ऑयल में हर्ब्स को डाला था तब उसका अरोमा बहुत डिफरेंट था, वो टेस्ट भी उसका बहुत डिफरेंट लग रहा है और बहुत रिच है, मतलब इतना क्रीमी है कि मेरा पूरा टंग जो अंदर से माउथ जो है मेरा वो पूरा क्रीमी हो गया है। नीलेश, बहुत अच्छा है। थैंक यू। ब्रेड के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये सॉफ्ट है थोड़ा और ब्रेड क्रंची है, तो खाते टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप फिनिश कर रहे हो क्या पूरा या मेरे लिए रखने वाले हो थोड़ा? मैं खा सकता हूँ, बट तू भी आ जा। तो गाइस, सिर्फ 2 मिनट लगा हमें पूरा मैक एंड चीज का प्लेट ख़त्म करने के लिए। एक्चुअली बहुत भूख लगी थी जब हम यहाँ पहुँचे, तभी
थोड़ा बहुत भूख कम हो गया है, बट ऐसा मन नहीं भरा है, ऐसा लग रहा है कि और एक दो प्लेट्स मैक एंड चीज का खा लेना चाहिए। बट हमें पेट में थोड़ी जगह रखनी पड़ेगी क्योंकि हम जा रहे हैं इनके सेकेंड आउटलेट में जो कि है रेस्टोरेंट, और वहाँ प्रॉपर बैठ के डाइन इन करेंगे। तो इस फूड ट्रक का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप यहाँ आ सकते हो, और उनका इंस्टाग्राम का लिंक भी है तो आप उन्हें फॉलो भी कर सकते हो। अभी चलते हैं उनके रेस्टोरेंट में। बाय निलेश, थैंक यू। तो गाइस, हम उनके सेकंड आउटलेट पर पहुंच चुके हैं। ये उन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, रेस्टोरेंट छोटा है बट बहुत ही ज़्यादा क्यूट रेस्टोरेंट है। हमने वहाँ ट्राई किया था मैक एंड चीज़, और बाकी के पास्ताज हम ट्राई करते ही रहते हैं, जैसे कि अराबियाता हो गया या फिर रेड सॉस पास्ता हो गया। तो मैंने सोचा कि सिंस ये इटालियन रेस्टोरेंट है तो क्यों नहीं यहाँ पर रैवियोली और लज़ानिया ट्राई किया जाए। तो चलते हैं हम उनके किचन में, और मैं भी उनके साथ आज कुक करने वाली हूँ। तो अभी हम उनके किचन में हैं, और पहले हम बनाने वाले हैं लज़ानिया। मैंने इसके पहले कभी भी देखा नहीं था लज़ानिया बनते हुए, तो मैं उसका प्रोसेस देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो गाइज, लज़ानिया जो है वो बेक हो रहा है, तो तब तक शेफ जो है वो मुझे रैवियोली बनाना सिखा रहे हैं। हम चिकन रैवियोली खाने वाले हैं, तो फिलिंग के साथ एक्चुअली रैवियोली रेडी है, ये ऐसा दिखता है वो। तो अभी उसके लिए हम सॉस बनाने वाले हैं। ये है हमारी चिकन रैवियोली, और रेड सॉस और वाइट सॉस को मिक्स करके बनाई है, और उसके ऊपर उन्होंने गार्निशिंग में बहुत सारा चीज़ ग्रेट किया है, और बेसिल भी है यहाँ। ये है हमारा वेज लज़ानिया। ये जो आपको ऊपर पूरा लेयर दिख रहा है, ये चीज़ का लेयर है, मोज़रेला चीज़ का। और बेवरेजेस में है कोल्ड कॉफ़ी और लेमन आइस टी, जो कि उनका स्पेशलिटी है। स्टार्ट करते हैं लज़ानिया से। तो गाइस, ये लज़ानिया बहुत ही ज़्यादा रिच लग रहा है और बहुत प्रॉपरली बेक हुआ है। अंदर से मैं आपको सारे लेयर्स दिखाना चाहती हूँ। सो आपको वेजिटेबल्स, पास्ता शीट, चीज़ का एक बहुत ही थिक लेयर, और रेड और वाइट सॉस दिख रहा है। तो ये प्रॉपर लेयरिंग उसका दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो मैं भी ट्राई करती हूँ इसको। टैंगी और क्रीमी है बहुत ही ज़्यादा, और ऊपर का जो चीज़ का लेयर है ना, वो प्रॉपरली बेक्ड होने की वजह से थोड़ा क्रिस्पी भी लग रहा है। गार्लिक ब्रेड के साथ भी अच्छा टेस्ट कर रहा है, बट पर्सनली मुझे विदाउट गार्लिक ब्रेड ज़्यादा अच्छा लगा लज़ानिया का टेस्ट। तो अभी ट्राई करते हैं रैवियोली। ये रैवियोली है। मुझे बेसिल का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं फर्स्ट बाइट बेसिल के साथ दिखाऊंगी। अमेजिंग टेस्ट है, मतलब सॉस इतना प्रॉपर है, मतलब सारे फ्लेवर्स एकदम अच्छे से मुझे आ रहे हैं उसके सॉस में के, मतलब टोमेटो का फ्लेवर भी बहुत अच्छे से आ रहा है, गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छे से आ रहा है, जो उन्होंने वाइट सॉस डाला है उसका भी, और रैवियोली बहुत अच्छे से कुक हुआ है। ब्रेड के साथ भी उतना ही अच्छा लग रहा है, और ऐसे भी उतना ही अच्छा लग रहा है। आई थिंक मुझे लज़ानिया से ज़्यादा अच्छा मुझे रैवियोली लगा है। तो अभी ये हम फिनिश कर लेते हैं और फिर आपको मिलते हैं। सो गाइज, हमारे साथ निखिल है, वो यहाँ पे पार्टनर भी है। पहले हम लोग वहाँ पे नीलेश को मिले, और यहाँ पे निखिल है, और निखिल ने हम लोग को इनवाइट किया, थैंक्स निखिल, थैंक यू सो मच। और रैवियोली जो था वो स्पेसिफिकली मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे और किंजल को, और फूड सच में बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप आए उसके लिए। यस, आप इतने टाइम निकाल हमारे लिए, उसके थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, हम लोगों ने फूड काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया। थैंक यू। तो गाइज, एक्चुअली ओवरलोड हो गया है, हमें यहाँ से किधर और जाना था, बट लगता नहीं है कि हम जा पाएंगे क्योंकि नींद आ रहा है। हाँ, चीज बहुत फीलिंग था, बहुत हैवी था। इटालियन क्यूजीन को डेडिकेटेड रेस्टोरेंट्स आई एम श्योर नासिक में तो नहीं रहेगा। और ये जो पर्टिकुलर आउटलेट है, इसका भी जो गूगल पिन है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सो अगर आपको फूड ट्रक पे जाके खाने, तो आप वहाँ पे भी खा सकते हो, या फिर आप यहाँ पे आके डाइन इन भी कर सकते हो।
सो गाइज हमारा टोटल बिल जो है वो 565 रुपीज आया है. हमने ऑर्डर किया था मैक एंड चीज, चिकन रेवियोली, वेज लजानिया, कोल्ड कॉफी और आइस टी. ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा इस रेस्टोरेंट का काफी अच्छा था. निखिल और निलेश जो एफर्ट्स ले रहे हैं इटालियन क्यूजिन बनाने में वो काफी कमेंडेबल है. अगर आप भी इटालियन क्यूजिन के लवर हो तो आपने ये रेस्टोरेंट जरूर ट्राई करना चाहिए. आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया रहेगा, क्योंकि मैंने तो इतना ज्यादा एंजॉय किया है कि मुझे इतना नींद आ रहा है मैं यहाँ पे भी सो सकती हूँ. एग्जिट देने को भी नहीं हो रहा है, चौथा टेक है उसका. तो अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बाय वॉन्डरर्स. सो जाओगे.